हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है एनिमल मूवी से पहले भी बॉबी देओल कई फिल्मों में कर चुके हैं विलन का रोल। तो आइए जानते हैं। रणबीर कपूर की एनिमल का फैंस के बीच काफी क्रेज देखने को मिल रहा है। हालांकि इस धमाकेदार कमाई के पीछे अकेले रणबीर कपूर ही नहीं बल्कि बॉबी देओल का भी हाथ है। विलन बनकर बॉबी देओल ने एनिमल में जो किया है उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी फिल्मी करियर को नई जिंदगी मिल गई है। फैंस भी लगातार एक्टर पर प्यार बरसाते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब बॉबी देओल नेगेटिव किरदार निभाते नजर आ रहे हो। बता दें कि एक्टर पहले भी कई बार ऐसे रोल में दिख चुके हैं। तो आइए जानते हैं उनके रोल के बारे में। बॉबी देओल के करियर की शुरुआत भी भाई और पिता की तरह रोमांटिक हीरो के तौर पर हुई थी, लेकिन फिल्म बादल में वो विलन का रोल प्ले करते नजर आए थे जिसमें उन्होंने आतंकवादी का किरदार निभाया था। बिच्छू में बॉबी देओल ने जीवा का रोल प्ले किया था जो गलत लोगों की ओर से बार बार हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर गलत राह पकड़ लेते हैं। हालांकि फैंस को उनका रोल पसंद आया था। साकाराता बूम बूम में भी बॉबी देओल नेगेटिव रोल निभाते नजर आए थे। इस फिल्म में उनके साथ कंगना रनौत भी दिखाई दी थी। नेगेटिव किरदारों की लिस्ट वाली फिल्मों की लिस्ट में ये भी शामिल है। हाल ही में बॉबी देओल की वेब सीरीज आश्रम रिलीज हुई थी जिसके तीनों ही सीजन सुपरहिट रहे। हालांकि इस वेब सीरीज में भी बॉबी देओल बाबा निराला का नेगेटिव किरदार निभाते दिखे थे। एनिमल से पहले खूंखार विलन के किरदार में बॉबी देओल नजर आ चुके हैं। ये फिल्म 2022 में रिलीज हुई थी जिसका नाम लव हॉस्टल था। तो दोस्तों, बॉबी देओल की ये जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही चटपटे फैक्ट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।